कल्याणमधील तुलसी लोक उद्यान या सोसायटीमध्ये जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून व्यक्ती ओळख आणि संगीत खुर्ची या कार्यक्रमाचे आयोजन तुलसी सोसायटीतील महिलांनी केले. यावेळी एस एल हांडे, एस आर दराडे, राम सावंत आदी मान्यवर उपस्थित होते. या प्रसंगी सोसायटीतील तसेच परिसरातील महिलांनी या कार्यक्रमात चांगली रंगत आणली. ब्युरो रिपोर्ट, इंडिया टीव्ही न्यूज. नमस्कार, मैं सुरेखा मिश्रा, लोक उद्यान तुलसी कोऑपरेटिव सोसाइटी कल्याण पश्चिम से बोल रही हूँ. आज जागतिक महिला दिवस है जो कि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, और मुझे आज बहुत 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 गर्व है, मुझे अभिमान है कि आज इस दिन हम सब, हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए यह विशेष दिन बनाया गया है. और मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने आज यह दिन हमारे लिए बनाया है, हम महिलाओं के लिए बनाया है. क्योंकि हम प्राचीन काल से देखते आए हैं कि जिस तरह से महिलाओं को तुच्छ समझा जाता था, उन्हें केवल एक वस्तु की तरह समझा जाता था, आज वह स्थिति नहीं है. आज महिलाएं किस क्षेत्र में नहीं है, अभी थोड़े ही दिन पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ महिलाएँ, एक विमान में केवल महिलाएँ ही थी, और वहाँ पर पायलट भी, यहाँ तक कि पायलट भी महिलाएँ. आप लोगों के सिवा, मतलब बिना पुरुष के महिला अधूरी है, और हमें आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना है. और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं की अस्मिता कभी भी मिट्टी में न मिले, यह हमारी, हम सभी महिलाओं की विनती है. कार मिस ने लता मानेकर, मैं एक चारच ओळी तुम्हाला महिलांबाबत सांगणार आहे की ज्या महिलांना तुम्ही खरंच मनापासून ओळखता जाणता, ज्याला स्त्री म्हणून आई कळाली तो जिजाऊचा शिवबा झाला, ज्याला स्त्री म्हणून कळाली तो मुक्ताईचा ज्ञान, स्त्री बहीण म्हणून कळाली तो मुक्ताईचा ज्ञानदेव झाला, आणि ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून कळाली तो राधेचा श्याम झाला, आणि ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून कळाली तो सीतेचा राम झाला. प्रत्येक महान व्यक्तीच्या जीवनात आणि यशात स्त्रियांचा सिंहाचा वाटा आहे, म्हणूनच मी या स्त्री शक्तीला सलाम करते. नियोजन करताना माझ्या मनात एकच येतो होता की आपल्या सोसायटीतल्या मोजक्याच बायका ड्युटीवर जातात आणि त्या खरंच लाईफ एन्जॉय करतात, आणि सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या ज्या आपल्या स्त्रिया आहेत किंवा ज्या माझ्या बहिणी आहेत, त्यांच्या एक अंगात काही कलागुण आहेत, त्या या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने त्यांच्या कलागुणांनाही वाव द्यावा ही माझी इच्छा होती. म्हणून मी हे महिला दिनाचं औचित्य साठवून या आयोजन केलेलं आहे. ही 108 129 महिला आहे जो की वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए कुछ कारणों से, आग लगने से वो उसी में जल गई थी, और उनकी याद में ये महिला दिवस मनाया जाता है. तो आज हम लोग उन महिलाओं को याद करते हुए ये कार्यक्रम शुरू किए हैं. हमारे यहाँ ये पहली बार हो रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम 1910 से 8 मार्च का दिन महिला दिन के रूप में मनाया जाने लगा, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. और हम ये चाहेंगे कि सिर्फ 8 मार्च ही नहीं, हर दिन हमारे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में महिला दिवस हो. ये 8 मार्च की तरह हर दिन हम लोगों को ऐसा सम्मान दिया जाए, और हम लोगों के लिए इस तरह से कार्य करें. जय हिंद, जय भारत. को भुला कर रिश्तों में बंधाती दुनिया सारी, हर पल रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी.